मैं अभी अभी अपरुजा से वापस आया हूँ और यहाँ जिस जगह पे मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ के होस्ट ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि बहुत डिलिशियस ये डाउ डाउ सूप पिलाया है जो कि खास यहाँ की रेसिपी है। और इसमें भी पूरा मील होता है, इसके अंदर यहाँ के लोकल नूडल्स डाले जाते हैं और चिकन होता है। इसके बाद आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि बहुत बहुत ताकतवर होता है। यहाँ के मौसम के हिसाब से आपकी आपकी बॉडी को सही वार्म रखता है। यहाँ मुझे एक बड़े मजे के साहब मिले और मैं उनसे अंग्रेजी में बात कर रहा था और उन्होंने अचानक मुझसे उर्दू में बात करनी शुरू कर दी। और इनका ताल्लुक अमेरिका से है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान में हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं और पाकिस्तान की जगहों को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं आपसे ही मुलाकात कराता हूँ उनकी। इनका नाम तो है जॉन लेकिन ये यहाँ याहिया कहलाना पसंद करते हैं। याहिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। मैं बहुत वाकई सरप्राइज हूँ उनकी इनकी उर्दू को सुन के, इसलिए कि बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। कब आए पाकिस्तान? About a few weeks ago, I had come to Pakistan for the first time and was just blown away by both the scenery and the hospitality that I found all across the country. So how many cities have you visited so far? Yeah, so I started in Lahore about a few weeks ago and then went through Islamabad up the Karakoram to Skardu and Gilgit and then just made it up to Hunza. You have come here all alone or you have your family or friends with you? Yes, yeah, came alone. Unfortunately, my friend who planned to come with me, whose name is also John, He ditched you in the road? yes, he got stuck in Chicago. Oh, he ditched you. Yes, with a canceled flight, but hopefully we'll meet up in So you must be Nepal. regretting now, right? Yes. So people would love to listen to you in Urdu. Acha. Okay. इसलिए हम अर्जुन में बात करते इसलिए हम हैं। उर्दू में ही बात करते हैं। ठीक है। सो हाउ कम यू हाँ किस तरह आपकी उर्दू इतनी अच्छी है? हाँ हाँ सच तकरीबन एक साल पहले मैंने लेसन शुरू किया एक उस्ताद से जो लाहौर में रहते हैं। उनका नाम आमिर शहजाद है और हम स्काइप के जरिए लेसन लेते हैं। अच्छा, हाँ सो इट टुक यू 1 year टू बी सो फ्लुएंट इन हाँ उर्दू, राइट? हाँ सच बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत खूबसूरत जबान है इसलिए अच्छा वक्त अच्छा, तो पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान में जब उर्दू बोलते हैं और इंडिया में हाँ हिंदी बोलते हैं, तो हाँ डिड यू फाइंड एनीथिंग व्हिच इज डिफरेंट इन द डायलेक्ट और लैंग्वेज हाँ बिसाइड्स द टेक्स्ट और द राइटिंग स्क्रिप्ट? बोलने में आपको फर्क महसूस हुआ हिंदी में और उर्दू में? हाँ हाँ सच उर्दू सीखने काफी काफी मुश्किल था क्योंकि मुझे अरबी रस्म खत नहीं आती है लेकिन अभी अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और रियलाइज पाकिस्तानी कर रहा म्यूजिक हूँ। भी आप सुनते हैं? कुछ उर्दू म्यूजिक से भी इंटरेस्ट है? हाँ सच मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन अक्सर सुनता हूँ ऐसे उर्दू सीखने के लिए। हाँ अच्छा, कोई 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 सिंगर, किसी सिंगर के बारे में कुछ बताओ आपको। कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बस सुनता हूँ और नाम नहीं जानता कुछ हूँ। गा सकते हैं आप हमारे लिए कुछ? कैन यू हम और नहीं सिंग समथिंग फॉर मी? नहीं नो। गाने के काबिल नहीं। अच्छा, तो कौन सा शहर सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको अभी तक? हाँ सच ऐसा लगता है कि भोनजा यही इलाका खूबसूरत तरीन है पाकिस्तान में। जिस इतने सारे पीछे हमजा के दोस्त बैठे हैं, लियाकत सिंह ये जीत गया। यस बिल्कुल नहीं लेकिन वाकई मैं हाँ आप अच्छा ओके आई एम बीइंग अ न्यूट्रल पाकिस्तानी एंड आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल, हाँ ऑल्दो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई लव माय सिटी इस्लामाबाद द हाँ मोस्ट, बट द मोस्ट आई थिंक वंडरफुल थिंग इन पाकिस्तान इज द हाँ डाइवर्सिटी ऑफ हाँ कल्चर, हाँ डाइवर्सिटी जियोग्राफी, ये डाइवर्सिटी टोपोग्राफी, हाँ एंड यू नो वी हैव ऑल द सीजन्स। सो यू नो हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ अप नॉर्थ टिल द साउथ यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ लैंडस्केप व्हिच अच्छा इज अमेजिंग। हाँ इफ यू गो टू गवादर यू विल फाइंड सच एन अमेजिंग, लाइक ऑन द वे यू विल फाइंड हाँ सच एन अमेजिंग एरिड जोन्स हाँ और जो रॉक्स होते हैं एंड हाँ एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल दैट हैज इट्स ओन यू नो ब्यूटी एंड कलर्स। यस और फिर जब ऑटम आता है तो फिर यही जगह बिल्कुल पेल सैफ्रॉन ऑकर हाँ येलो की टोन में चला जाता हाँ है।
और इसी तरह पंजाब में आपको और तरह के रंग मिलेंगे. तो यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ सीजंस एंड पीपल एंड ज्योग्राफी इन पाकिस्तान. दिस इज द बेस्ट पार्ट. सो अब इसके बाद कहाँ जाने का इरादा था? हाँ, इसके बाद ऐसा लगता है कि मैं शायद परसों इस्लामाबाद वापस जाऊंगा. आ जाओ. हाँ, और इसके बाद लाहौर जाऊंगा. ऐसा लगता है कि लाहौर के बाद मैं मेरा दोस्त नेपाल में मुझे मालूम नहीं काफी. मुझे याद नहीं, लेकिन आमतौर पर जनूब अमेरिका में घूमने का शौक हूँ. जनूबी अमेरिका इज साउथ अमेरिका. सच साउथ अमेरिका मतलब चिले, अर्जेंटीना. अच्छा, तो यूरोप वाली साइड पे गए आप? हाँ, सच कम अक्सर, लेकिन जा चुका हूँ जर्मनी वगैरह. अच्छा, और फार ईस्ट? हाँ, फार ईस्ट नहीं, मेरे याद तो पाकिस्तान से चीन जाना का था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ बाहर बंद थे. लेकिन मेरे याद तो बस के जरिए. पाकिस्तान का खाना सबसे अच्छा कौन सा लगा? क्या चीज आपको अच्छी लगी खाने? आमतौर पर मुझे बस दाल या चपाती अच्छा लगता है. मुझे बस दाल या चपाती, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, लेकिन do you like spicy food or do you like the mild spicy or just such, plain food? सच मेरे उस्ताद ने कहा कि मुझे मसालेदार खाना को आदत डालनी पड़ेगी. हाँ, सच. इसलिए मुझे 6 महीने यहाँ आने से पहले तमाम दिन बहुत से खाने में डाल दिया था कि मैं बीमार नहीं जाऊंगा. इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए मिर्चों के लिए, मसाले के लिए. बात है. अच्छा, चलिए, वंडरफुल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया. और आई अपलोड योर इंटरव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम एज वेल. और जाते जाते अपने पाकिस्तान के हमारे दोस्तों को जो आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देंगे आप? अच्छा, शुक्रिया. कुछ बोलिए ना उनके लिए. पैगाम माफी जी. मुझे कुछ खास पैगाम नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी मेहमानवाजी के लिए. और आपका मुख बिल्कुल खूबसूरत तरीन है. अब आप अंग्रेजी में बहुत सारे जो दोस्त आपको सारी दुनिया में देख रहे होंगे, उनको अंग्रेजी में पैगाम दीजिए पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि वो उर्दू नहीं समझते. एंड टेल देम दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस कंट्री इज एंड इट्स वेरी सेफ टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड यू आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी हॉस्पिटेबल. सो यस, प्लीज टेल समथिंग अबाउट पाकिस्तान. यस, सो फॉर मी, माय पैशन इन डूइंग दिस टूरिज्म बिजनेस इन नॉर्दर्न पाकिस्तान हैज बीन जस्ट शोइंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउ just how hospitable of people live here in all of Pakistan and just the natural beauty of the area. So my message to the West is just come to Pakistan, take some time to meet the people of Pakistan, get to know them, and just be blown away by this warm and hospitable country. Thank you so much, John. Yes. Or Yaya. Huh? It was a pleasure seeing you, and I'm looking forward to see you again in India. Cameraman's up, you can cut now.